दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी पर। पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 90 वर्षों बाद 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस्या, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को भाद्रपद अमावस्या के दिन अब 12 में से इन 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। ये 6 राशि वाले अब धन से मालामाल होने वाले हैं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब 90 सालों के बाद 14 सितंबर दिन गुरुवार को भाद्रपद आवश्यक दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग, साथ ही कई शुभ योग के कारण अब 12 में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। इन 6 राशि वालों के इस दिन यानी कि भाद्रपद आवश्यक दिन लॉटरी लगने वाली है। ये 6 राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं। ये 6 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। खुद अब न्यायाधीश भगवान शनिदेव माँ लक्ष्मी जी की कृपा से अब इन्हें करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं इनके घर स्वयं भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी पधारने वाले हैं, जिससे अब इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और संकट कष्ट स्वयं शनिदेव और माँ लक्ष्मी जी दूर करने वाली हैं। इन 6 राशि वालों के जीवन में माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशियाँ, जिससे अब इन 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वो खुशनसीब और भाग्यशाली 6 राशियाँ कौन कौन सी है जिन पर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इस बार 14 सितंबर दिन गुरुवार के दिन भाद्रपद आवश्यक दिन बन रहे महाशुभ संयोग से अब इनकी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों धन से मालामाल होने वाले हैं। यूं कहें कि अब इन्हें करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। तो इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि आती है और इस अमावस्या का खास महत्व माना जाता है, लेकिन भाद्रपद में आने वाली अमावस्या बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है और इसके कुछ समय बाद ही पितृपक्ष की भी शुरुआत होती है। तो दोस्तों पितृपक्ष शुरू होने से पहले ये बहुत ही खास अमावस्या मानी गई है। दोस्तों भाद्रपद में आने वाली अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या या भादो अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप पवित्र नदियों में स्नान या फिर दान का खास महत्व होता है और कहते कि इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। जिन पर अपने पितरों की कृपा प्राप्त होती है उनके जीवन में हर कार्य सफल होते हैं और सुख शांति का माहौल उनके घर में बना रहता है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि भाद्रपद आवश्यक दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। इसके बाद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, अन्य धन वस्त्र जो भी दान करें। 14 सितंबर को भाद्रपद आवश्यक दिन आप जो बन पड़े दान जरूर करें पितरों के निमित्त पितरों का नाम लेकर, तो दोस्तों पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको वंश वृद्धि का आशीष देंगे। कभी भी किसी प्रकार से आपके घर में कमी नहीं आएगी। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या बहुत ही खास होती है, लेकिन भाद्रपद अमावस्या का महत्व कुछ अलग ही माना गया है। कहते कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और यह दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और भगवान शनिदेव की पूजा और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर करें, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आवश्यक दिन यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पर ही स्नान वाले जल पर गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें, लाभ आपको अवश्य मिलेगा, बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों स्नान के बाद पीपल के पेड़ के जड़ में जल जरूर चढ़ाएं। शाम के समय आप यानी कि एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार कोई भी बाधाएँ नहीं आती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर भगवान शनिदेव की कृपा इस बार भाद्रपद आवश्यक दिन बन रही है, जिसके कारण इस बार की ये
भाद्रपद के आवश्यक दिन ये राशियाँ करोड़पति बनने वाली हैं, लखपति बनने वाली हैं, अमीर बनने वाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो राशि है इस लिस्ट में वो है मेष राशि। मेष राशि आपको बता दें कि इनकम बढ़ रही है, व्यापार में तरक्की होगी, भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी कृपा से चारों दिशाओं से आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए काफ़ी खास रहेगा ये दिन और आने वाले दिन। कई जगहों से धन का लाभ होगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे। धन व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि होगी, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। साथ ही बता दें कि इनकम बढ़ने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, कार्यक्षेत्र में भी लाभ होगा, सभी तरह के पेंडिंग काम पूरे होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक सफलता प्राप्त होगी भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी कृपा से। भाद्रपद आवश्यक दिन आपको आपके इनकम में वृद्धि होगी, सत्य बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगली जो राशि आती है वो है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि आपको बता दें कि भाद्रपद आवश्यक दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग के कारण अब आपकी किस्मत चमकेगी, नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, बिजनेस व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि होगी, रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, इनकम बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा, पुराने समय से किए गए प्रयास आपके लिए सफल रहेंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कामकाज के सिलसिले से बाहर की यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश जाने का योग बनेगा। भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी कृपा से आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। अब अगली तीसरी जो राशि आती है वो है कन्या राशि। बता दें कन्या राशि को अब भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी कृपा से अब आपके रुके हुए जो व्यापार थे, पेंडिंग थे, ठप पड़े थे, वो पुनः एक बार शुरू कर पाएंगे। नौकरी में भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे। धन व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि होगी, पद पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, प्रेम जीवन में खुशियां प्राप्त होंगे, अनेक जगहों से धन का लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलताओं की प्राप्ति होगी। बता दें कि रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे, अधिक से अधिक धन लाभ होगा, उधार दिया गया पैसा वापस मिलेगा और इसमें बैंक से लिखा पढ़ी का मामला भी सॉल्व होगा। समाज में मान सम्मान की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। अब जो चौथी राशि आती है वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि भाद्रपद आवश्यक दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग के कारण अब माँ लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा से आपके जमीन प्रॉपर्टी से तो लाभ हो गई होगा, साथ ही साथ रुके हुए तमाम पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, धन व्यापार में तेज से इजाफा प्राप्त होगा, नौकरी में ट्रांसफर के योग बनेंगे। साथ ही बता दें कि घर में माता पिता का सपोर्ट, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे, मनचाही सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार का विशेष लाभ होगा, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे, महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी, कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा होगा, पेंडिंग कामों को पूरा करने का मन बना सकते हैं। अब अगली यानी जो पांचवी राशि आती है वो है मीन राशि। इनकम बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जो अवैध जातक हैं उनके विवाह के योग्य रिश्ते आएंगे, चर्चाएं होंगी, घर में कोई शुभ मंगल कार्य होंगे, भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। साथ ही बता दें कि कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी, इसमें आपको दिन दुगनी चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी, नई जॉब लगने की संभावना है, जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब जो छठवीं जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि को बता दें कि अब आपके कार्यक्षेत्र में भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी कृपा से दुगने रफ्तार के साथ तेजी से आमदनी की वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, धन व्यापार में अधिक से अधिक फायदा होगा, अब भगवान शनिदेव की कृपा से आप पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। बता दें कि कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा, सरकारी गवर्नमेंट के क्षेत्र में कोई एग्जाम वगैरह देना चाहते तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ ठीक रहेंगी, स्वास्थ्य का उत्तम लाभ ले पाएंगे, घर परिवार का सपोर्ट, माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा, घर के सुख साधनों में आपको लाभ होगा, कई बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, रुपए पैसे में आमदनी बढ़ेगी, महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी, अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों,
ये छह राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय शनिदेव जय मां लक्ष्मी।